हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्मार्ट विष्णु विद अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग अपनी वीडियो में कैसे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप वहां पे अलग अलग तरह के वीडियो बनाते होंगे, टेक्निकल से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड। उसकी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा म्यूजिक या अच्छा साउंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो के एडिटिंग के दौरान आपको बैकग्राउंड में एक म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती होगी या साउंड इफेक्ट के लिए आपको म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बहुत सारी वेबसाइट में सर्च करते होंगे नो कॉपीराइट म्यूजिक फ्री, तो वहाँ से कभी कभी आप लोगों के वीडियो में कॉपीराइट आने के चांसेस रहता है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप लोग बिल्कुल फ्री में अपने वीडियो में म्यूजिक लगा सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए हुए। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के टॉपिक में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग कैसे ऑडियो लगा सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं और उसमें जाके ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, मूड के हिसाब से म्यूजिक सेट कर सकते हो, आर्टिस्ट के नाम, टाइटल, अगर सॉन्ग का कोई म्यूजिक का टाइटल याद है तो आपको वहाँ से जाके सर्च करके ईजिली आप लोग अपनी वीडियो में म्यूजिक लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन में जाके वन बाई वन करके सीखने वाले हैं कि सेटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ऑडियो लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपने पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही म्यूजिक लगाता हूँ, तो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे हम लोग उस म्यूजिक या ऑडियो को कैसे अपनी वीडियो में लगा सकते हैं, क्या क्या सेटिंग होने वाला है, तो मैं आपको वन बाय वन करके सिखाने वाला हूँ लैपटॉप पे स्क्रीन में जाके कैसे हम लोग उसकी सेटिंग करें और कैसे हम लोग ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर बिना देर करे हुए। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि कैसे YouTube ऑडियो लाइब्रेरी के थ्रू म्यूजिक डाउनलोड करते हैं और साउंड इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले खोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र में खोलने के बाद हमें YouTube खोलना होगा। YouTube के खोलने के बाद हमें जाना है यहाँ से अपने YouTube चैनल में, योर चैनल। YouTube चैनल में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो। तो हम लोग मैनेज वीडियो में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को राइट हैंड साइड में डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक, कमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में ऑडियो लाइब्रेरी है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी ओपन करने के बाद यहाँ में दो तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फ्री म्यूजिक, साउंड इफेक्ट एंड स्टारेड। स्टारेड को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, हमें ये दो ऑप्शन में ज़रूरत है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं फ्री म्यूजिक में। फ्री म्यूजिक के जस्ट नीचे सर्चिंग बार आता है, सर्चिंग बार के लेफ्ट हैंड साइड में ये लाइन बने हुए हैं सबसे बड़ा और छोटा छोटा करके, हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों को किसी टाइटल का नाम पता है तो यहाँ पे टाइपिंग करके सर्च कर सकते हैं, ट्रैक का टाइटल पता है तो यहाँ ट्रैक का टाइटल टाइप करके सर्च कर सकते हैं, और मूड के हिसाब से आप लोग किस तरह का म्यूजिक चाहते हैं उसके हिसाब से, आर्टिस्ट का नाम के हिसाब से, और ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं आप लोगों की वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितने मिनट की वीडियो है उसके दौरान, 3 मिनट की है, 4 मिनट की है, 2 मिनट की, उसके दौरान आप लोग ड्यूरेशन डाल सकते हो, यहाँ पे इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग लॉन्गर देन कितने से ज़्यादा का आप लोगों को वीडियो का टाइमिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग टाइमिंग डाल के अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो उसके बाद आता है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। तो आप एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत सारे ऑप्शन, वीडियोज़ के जो ऑडियोज़ के नाम आते हैं
उसके यहाँ पे लाइसेंस टाइप में जाके देखते हैं यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी लाइसेंस। इसका मतलब जो वीडियो का आइकन बना हुआ है YouTube का आइकन, तो इसका मतलब ये नो कॉपीराइट फ्री है और इसमें हम लोग कोई एट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट में एडिट में डाउनलोड में हम लोग यहाँ जाके क्लिक करते हैं। कोई सा भी अगर आप लोग यहाँ पे एक मेरा फेवरेट कोई म्यूजिक है क्रॉक पॉट, जो मैंने अपने वीडियो में मोस्टली यूज़ करता हूँ, इसको टाइप करते यहाँ पे एक आता है क्रॉक पॉट, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का। ये आपने रिसेंटली मेरे वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैं मोस्टली इसी को यूज़ करता हूँ। तो इसको यूज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जाके डाउनलोड में क्लिक करना है। डाउनलोड में क्लिक करते हुए देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का म्यूजिक डाउनलोड हो चुका है, तो आप लोग इसको फ्रीली यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से और कोई भी जितने भी अगर आप लोगों के रिक्वायरमेंट हिसाब से कोई सा भी वीडियो सॉरी ऑडियो यहाँ से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। अगर आप लोग फनी टाइप का वीडियो बनाते हो तो उसके लिए साउंड इफेक्ट, जैसे कि हंसने की साउंड या रोने का साउंड होता है, उसको यहाँ पे आप लोग इजीली लगा सकते हो साउंड इफेक्ट्स में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, किड्स प्लेइंग, तो इसमें यहाँ से जाके आप लोग, मैं सर्च करता हूँ लग, इसमें आ रहा है मेन लग, जैसे कि आप लोग प्ले करके दिखा देता हूँ। ये आप लोगों ने सुन लिया होगा, अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ से जाके सर्चिंग लिस्ट में जाके यहाँ के एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये होता है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग लाइसेंस टाइप में यहाँ पे जब क्लिक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो यू आर फ्री टू यूज द ऑडियो ट्रैक द एनी ऑफ योर वीडियोज इंक्लूडिंग वीडियो दैट इज द मोनेटाइज, हाउएवर यू मस्ट टू इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इस यूज कर सकते हो ईजीली, लेकिन आप लोगों को जो यहाँ का लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी का सब ऑप्शन आ रहा है, इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके अगर आप लोग इस वीडियो को अपने YouTube वीडियो में लगाना चाहते हो तो सिंपली इसका लिंक कॉपी करके उसको डिस्क्रिप्शन में लगाना होगा। सिंपल यही है, आप एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसमें आप लोगों को सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक देना है, और जो नॉट रिक्वायर्ड है उसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल यही फ़र्क है। तो सिंपली ये था इजी वे कैसे हम लोग अपनी वीडियो में ऑडियो लाइब्रेरी के थ्रू आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।